नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। और आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है जी हमारे आज के सुपरस्टार रोहित शर्मा जो है उनपे। इंडिया और अफगानिस्तान के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी उनके इतने ज्यादा फैंस हो गए हैं, बहुत 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 ज्यादा। और मैं भी उन फैंस में से ही एक हूँ और उसी के वाले से आज की हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे वीडियो देखिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है ना, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। फिर देखते हैं आज की वीडियो। और जिस तरह सूर्य उदय होते ही बर्फ का किला पिघल जाता है, उस तरह ढह गई ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड की ये टीम। सही बात है, रोहित शर्मा तो हमारा बाबरचे है। मैं कहती हूँ अगर कल का मैच में वो ना होता तो शायद कल इंडिया ना जीतता, उसका पाकिस्तान वाला हाल होता। ऐसा ही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर उसके बाद लगातार वायरल हो रही है। मुकाबला खत्म होता है, इंडिया की एक बहुत कंफर्टेबल जीत होती है। रोहित शर्मा उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, बैठ कर एक कहते हैं कि मोमेंट को सोक इन कर रहे होते हैं। और उसी दौरान दिखता है कि रोहित शर्मा इमोशनल हो रहे हैं। सारों को ठोक दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा द लीडर, रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द सेंसेशन, रोहित शर्मा आन बान शान। पहले मुझे विराट कोहली बहुत पसंद था, लेकिन कल के मैच के बाद तो मैं रोहित शर्मा की फैन हो गई। मतलब विराट ने स्कोर कोई नहीं किया, मैं अभी भी उनकी फैन हूँ, ये बात तो गलत है। जिसने इंडिया को बचाया, सारा स्कोर ही रोहित शर्मा का था। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं। ये ऐसा बैटर है कि पांच बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो पांचों को पीटता है। हम रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया और इंडिया तो फाइनल में चला गया। केला बंदे ही सब टीमों पे भारी है। शर्मा इस टाइम वाकई सब पे भारी है। क्या कहेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के वाले से? उनको क्या ही कहूँ मैं, दो अल्फाज बोलते हैं। जो कि रिजेक्ट हो जाना है। नहीं रिजेक्ट होता हो जाएगा, नहीं होता वो कहाँ हम कहाँ। हाँ नहीं हो जाएगा। आसमान आसमान के ख्वाब देखने से पहले खुद को देखना चाहिए ना कि हम। सही बात है, बात तो सही है। बदलर को नासिर हुसैन इनकी वीडियो देखे मुझे बड़ी हंसी आती है। स्टाइल है ना इनका वो देख। तो एक उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी और कमाल करती है। वो मेरे फेवरेट है। टीम को इतने अच्छे से मैनेज किया वो भी। उनकी स्माइल भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तो अल्लाह पाक उनको नजरें बद से बद। ये होता है कप्तान, ये होती है चीजें। सो मैं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, ही इज बैक and what a great sight to see when Rohit Sharma is playing, तो मजा आ जाता है। सही बात है। और क्या उसकी टाइमिंग है, क्या उसका खेलने का तरीका है। I mean the way they played again, Rohit Sharma 8 चौके 2 छक्के, मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। क्यूट लग रहे हैं। एम्पायर कोहली, we talk about Joe Root, we talk about Williamson, we talk about Babar Azam, but this guy is different. दोस्तों कल रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि उन्हें लोग हिटमैन क्यों कहते हैं। रोहित और सूर्य की बल्लेबाजी की बदौलत ही भारत 150 रन वाली पिच पर 171 रन का सदब हासिल कर पाया। रोहित की कप्तानी इस पूरे टूर्नामेंट कमाल की रही और इसी कप्तानी की बदौलत आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना पाया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते वक्त भारतीय टीम के कप्तान थोड़ा इमोशनल भी हो गए, क्योंकि पिछली बार इसी इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में बहुत बुरी शिकस्त दी थी, लेकिन आज उसका बदला इंडियन टीम ने भरपूर अंदाज में लिया। और जब पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रोहित शर्मा को लेकर अपनी आवाम से सवाल किया, तब देखा गया कि पाकिस्तानी लड़कियां और लड़के भी रोहित शर्मा के मुरीद हो गए हैं और हर तरफ उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जिसकी बात हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सारों को ठोक दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा द लीडर, रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द सेंसेशन, रोहित शर्मा द कप्तान, रोहित शर्मा आन बान शान। सांस ले ले भैया, एशिया की जान। ओए होए, एशिया की जान। अब समझ में आया रोहित शर्मा क्या है, क्या है? समझ आ गया। 68 रन्स, डिफेंडिंग चैंपियंस, लेट टू रेस्ट एट गयाना। ये वो अच्छे लगते हैं। बल्ले बर्रा 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 क्या कहेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? क्या क्या कही जा रहे हैं?
में इसलिए दो अल्फाज बोलते हैं जो कि रिजेक्ट हो जाना है। नहीं रिजेक्ट होता हो जाएगा नहीं होता वो कहां हम कहां हां नहीं हो जाएगा आप आसमान आसमान के ख्वाब देखने से पहले खुद को देखना चाहिए ना कि हम जमीन पे खड़े नहीं हम जमीन पे हैं मगर आपकी वीडियो देख लेंगे आगे विराट कोहली रोहित शर्मा देख लेंगे आपकी वीडियो विराट कोहली तो शादीशुदा है हाँ तो रोहित शर्मा कोई नहीं वो अच्छे दोस्त रोहित शर्मा भी तो शादीशुदा है बस मैंने यही कहूंगी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे ना सोचिए कि लड़कियां हमसे प्यार करती हैं ये करती वो करती आपके साथ इंडियन टीम की और पाकिस्तानी टीम की बहुत सी उम्मीदें वो बचता है और हमारी उम्मीदों के ऊपर उड़ा उतरना हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पर और बॉलिंग में तो अब सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी पहले मीडियम पेसर्स थे स्पिनर्स थे अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं मगर वो खेलते ही नहीं है लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं सही बात नहीं हो सकती कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुआ बड़े बड़े प्लेयर्स थे गवास्कर आए उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर आए उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने So, एक ये चेन चल रही है तो एक उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बैटिंग में भी फील्डिंग में भी और कमाल करते हैं वैसे भी वो मेरे फेवरेट हैं और लुक लाइक अ हैंडसम बॉय है उनकी स्माइल भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा क्यूट है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी ये कोई चीज फेवरेट नहीं होती ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे विराट कोहली मेरा फेवरेट है रोहित शर्मा मेरा फेवरेट वो अब ज्यादा हो गया कल का वो जब मैंने परफॉर्मेंस देखी ना वो मेरे ज्यादा पसंदीदा बन गया मैं तो इस चीज के बाद रोहित शर्मा की फैन हो गई विराट कोहली से क्रैश ही उतर गया तो मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रही कि बाबर आजम को मेरे ख्याल में जैसे वर्ल्ड कप खत्म होता है ना स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाए उनको बस शस्त्र डलवा के ना कि भाई जाएं और बाबर आजम आप रोहित शर्मा से सीखें आई मीन द वे दे प्लेड अगेन क्या कह दिया 61 और 54 आठ चौके दो छक्के मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है ठीक है वी टॉक अबाउट एम्परर कोहली वी टॉक अबाउट जो रूट वी टॉक अबाउट विलियमसन वी टॉक अबाउट बाबर आजम बट दिस गाइस डिफरेंट शर्मा की क्लास अलग है It makes look batting so easy, you know. कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं फिर वो। ये ऐसा बैटर है कि पांच बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो पांचों को पीटता है। जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो पांचों को नहीं मारते, वो तीन को मारते हैं, छठे सातवें को मारते हैं। ये पांचों को मारता है। ये ऐसा इसलिए गेम का वो क्या कहते हैं पंजाब में टेम्पो ही चेंज कर देते हैं आते हैं। हाँ जी टेम्पो बॉलरों को या ऑपोजिशन को परथू अपने पड़ जाते हैं। वो हम लोग स्कूल जाते थे ना तो अरबी के जब टीचर आते थे असी सीधे हो जाते सी ये वो वाला हिसाब है ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया हमारा मैथ का होता था मेरा भी मैथ का ही होता था सर लाल दीन हम रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया और इंडिया तो फाइनल में चला गया और जिस तरह से साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होने वाला है मैं ये बोलूँगी कि साउथ अफ्रीका भी बहुत तगड़ी टीम है जिस तरह से अफगानिस्तान को उन्होंने हरा दिया हमें आइडिया नहीं था कि अफगानिस्तान इतनी बुरी तरह से हारेगा लेकिन वो फिर भी हार गया क्योंकि वो टीम भी बहुत तगड़ी है पहले हम ऑस्ट्रेलिया का कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर निकल जाए क्योंकि अगर वो होगा तो इंडिया के जीतने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे थे लेकिन वो तो निकल गया लेकिन अब अफ्रीका आ गया और ये बहुत मुझे लगता है तगड़ी टीम है इंडिया के लिए लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक के शायद वो उनको करके तो अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल आपकी बात ये है कि दोनों टीमें बड़ी मजबूत नजर आती हैं अनबीटेबल हम लोगों को नजर आई अफ्रीका ने भी एक भी मैच नहीं हारा इंडिया ने भी नहीं हारा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहिए विराट कोहली ने तो आज भी पता नहीं उसे क्या हो गया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो आउट क्यों हो रहा है मुझे तो ये था कि सेमीफाइनल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मे भी वो सेंचुरी बना दे लेकिन इस बार भी उन्होंने थोड़ा सा खेल के वो आउट हो गए और अब फिर वही उम्मीद है लास्ट पे कि शायद फाइनल पे वो चल जाए क्योंकि जब तक लास्ट मैच नहीं होगा हमें तो यही उम्मीद है कि शायद विराट कोहली चल जाए और अगर रोहित शर्मा की बात कर ले तो उन्होंने बहुत अच्छा आज भी परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने पीछे ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस बार वो उसने अफ्रीका को हरा दिया तो बेस्ट है मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर बैठ के बोलना बहुत ज्यादा ईजी होता है जब आप वहां पर खेल रहे होते हैं ना तो उस वक्त की सिचुएशन क्या होती है उस वक्त का क्या होता है ना वो उन लोगों को ही पता होता है वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं उन लोगों को पता होता है अगर विराट का अभी क्या बोल रहे हैं कि वो ये ऐसा नहीं है कि उनका अंदर से मन हो कि मैं अच्छा ना खेलूं या फिर मैं ऐसे ही रहूं या फिर लो आए और मुझे कुछ भी बोलते रहे क्योंकि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हर बंदे की ट्राई होती है अगर वो वहां पर हैं तो वो अपना
100% वहां पर के लिए ही है। वो ये नहीं है कि वो जो दूसरे प्लेयर्स हैं अच्छा खेल रहे हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ। रोहित शर्मा भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनके सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि डिफेंस में बोल रही हूँ कि जो विराट हैं अगर वो नहीं खेल रहे तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं आकर कुछ भी बोल देते हैं उनको कि वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, अब ये है वो है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही ज्यादा गलत लग रही है क्योंकि मैं उनकी भी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। उन्होंने बहुत से मैचेस बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए और वो चीज़ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी और आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे यहाँ के लोग कितने ज्यादा दीवाने हो चुके। अभी तो कुछ ही वीडियोस थी, इसके अलावा और कितनी ज्यादा वीडियोस हैं कि रोहित शर्मा के इतने ज्यादा फैंस, इतने ज्यादा फैंस। अभी वो बात तो है कि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो हर बंदा बोल रहा था विराट विराट विराट, लेकिन अभी रोहित 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 हो रहा है क्योंकि उन्होंने सीरियसली, क्योंकि वो इंडिया को, इंडिया के जो क्या बोलते हैं कि लेके इतना अच्छा जा रहे हैं, जो उनकी टीम है उसकी वजह से भी वो एक भी मैच हारे नहीं है उस वजह से भी। और जो रात का मैच हुआ है सेमी फाइनल का जो मैच, और इंडिया को क्या मतलब उन्होंने स्कोर बनाया और कितने अच्छे से बनाया, उस बात की वजह से भी लोग बहुत ही ज्यादा उनके फैंस हो गए हैं, जो कि एक मतलब कि रियल चीज़ है और बहुत ही ज्यादा उनको ऐसे देखना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इंडिया के फाइनल में आने की, और भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सीरियसली। ना सिर्फ मुझे हैं, हमारे पूर्व आपने देखा इस वीडियो में भी लोग यही बोल रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो प्लीज अपने लिए जीतना और हमारे लिए भी जीतना। वही ना मैं पिछली वीडियो में बोल रही थी कि आप जीतेंगे तो हमें लगेगा कि हम ही जीते हैं और हम मतलब कि आपके ही साथ, मतलब हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया की जो टीम है उसके साथ है, ये जो दूसरे लोग हैं ये तो हमारी टीम निकल गई उसकी वजह से है ना। मैं तो होते भी तो भी मैं इंडिया के साथ ही होती क्योंकि मुझे इंडिया पे जितना यकीन है ना, मुझे इन पे और हमारे मुल्क की जो टीम है और जो प्लेयर्स इन पे इतना सा भी यकीन नहीं है क्योंकि मैंने इनको देख लिया है कि इनसे कुछ नहीं हो सकता भैया, इनसे कुछ कुछ उम्मीद रखना सब बेकार है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो एक लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलूंगी एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आई लव यू ऑल।